गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर प्रेजेंट हियर टू रीड इट आउट लेसन नंबर 2 ऑफ जीके. नेम इज एवियन हंटर्स. लेट्स रीड आउट द चैप्टर. बर्ड्स आर यूजली एसोसिएटेड विद वाइब्रेंट कलर्स, म्यूजिकल कॉल्स एंड ग्रेसफुल मोमेंट्स. नेवरदलेस, देर आर मेनी अमंग दीज विंग्ड क्रिएचर्स दैट प्रोसेस terrific spears, razor-sharp talons, and powerful beaks, which they use to hunt, kill, and devour other birds, snakes, and even small animals. These are the flying hunters. तो आज हम चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पक्षियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, birds. बर्ड्स, वैसे तो बर्ड्स के बारे में सुनते हैं हमें क्या याद आता है? सुंदर सुंदर रंग, वाइब्रेंट कलर्स, है ना. म्यूजिकल कॉल्स मतलब मीठी मीठी आवाज़, और जो बहुत सुंदर सुंदर मनोहर मूवमेंट्स करते हैं. जैसे मोर है, मोर भी एक पक्षी है, वो पंख फैलाता है तो कितना सुंदर लगता है, तो उसकी एक ग्रेसफुल मूवमेंट्स है ना, ये हमारे दिमाग में आता है. वॉल्यूम कम कर. लेकिन आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उन पक्षियों के बारे में जो सुंदर तो हैं लेकिन उनके साथ साथ एक हंटर भी हैं, और वो अपने पावरफुल बीक्स मतलब चोंच से, शार्प टेलोंस मतलब पंजों से, और गजब की स्पीड के साथ सिर्फ बर्ड्स को डराते नहीं हैं, उनको शिकार भी कर लेते हैं. ठीक है, कुछ कुछ पक्षी बहुत हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी के पंजे इतने तेज होते हैं कि वो सांप को मार सकते हैं या डरा सकते हैं. ठीक है, तो दीज विंग्ड क्रिएचर्स आर नॉट ओनली स्वीट एनिमल्स, दे आर इवन ग्रेट हंटर्स. सो फर्स्ट वन इज, हमें पिक्चर्स देखनी है और हमें बताना है ये कौन सा पक्षी है. फर्स्ट वन इज हैविंग हुक्ड बीक्स टू टियर ऑफ फ्लैश फ्रॉम देयर प्रे, दीज आर एक्सपर्ट हंटर्स. दे कैन सी 8 times बेटर देन ह्यूमंस एंड स्पॉट ए टारगेट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 miles. है ना, कितना गजब. ये एक ऐसा पक्षी है जो अगर पंजा मार दे तो ये सीधा मांस निकाल लाता है, और ये बहुत अच्छा हंटर है, और इसको जो है हम लोगों से 8 गुना ज़्यादा बेहतर दिखता है, और 2 मील के दूरी से ही ये अपने टारगेट को देख सकता है. इसकी पिक्चर देखो आप, कैसा लग रहा है ये पक्षी, है ना. देखने में तो बहुत सामान्य सा पक्षी लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक हंटर है. इसका नाम है पेरेग्रीन फाल्कन. ठीक है, सेकेंड वन इज द फास्टेस्ट बर्ड अलाइव, मतलब कि आज तक जो अभी जितना हमने देखा है, अलाइव जो बर्ड है जो सबसे ज़्यादा तेज है ये पक्षी. दे कैन क्रूज एट 75 miles per hour. ये कितनी स्पीड पे घूम सकते हैं? 75 miles per hour की रफ्तार से ये घूमते हैं. एंड टच 200 miles per hour इन ए डिविल. ठीक है, और ये अगर धरती को छूना हो, मतलब जैसे नीचे की तरफ अगर आते हैं, तो ये 200 miles per hour की स्पीड से आ सकते हैं. विथ सच इनक्रेडिबल स्पीड्स एंड एन अमेजिंग आई साइट, और इनकी विजन भी बहुत अच्छी होती है, इनकी बहुत अच्छी आई साइट होती है. लिखा है ना कि 5 miles की विजन होती है इनकी. इट इज़ नेचर्स परफेक्ट फ्लाइंग एंड किलिंग मशीन. इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो बुक वाला बोल रहा है कि ये एक किलिंग मशीन है, परफेक्ट उड़ने वाला फ्लाइंग मशीन और किलिंग मशीन है. इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हॉक. ठीक है, क्या बोलते हैं? हॉक. थर्ड वन इज लार्ज पावरफुल बर्ड ऑफ प्रे विथ हुक्ड बीक, रेजर शार्प टेलोंस एंड एक्सीलेंट विजन्स. इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन हाई क्लिफ्स एंड वेरी टॉल ट्रीज. सच इज देयर स्ट्रेंथ एंड फेरोसिटी. दे कैन इवन हंट फॉक्सीज, वाइल्ड कैट्स, यंग डियर्स एंड गोट्स. सी कौन है ये, पिक्चर देखो, समझ में आ रहा है कुछ? ये पक्षी ऐसे पक्षी हैं जिनकी जो चोंच होती है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, हुक जैसी होती है, और इनके जो पंजे होते हैं वो किसी रेजर जैसे होते हैं, और इनकी विजन भी बहुत कमाल की होती है. ये इतने अच्छे और शातिर पक्षी हैं जो अपनी जो नेस्ट है वो
ऊंची ऊंची चोटियों पर बनाते हैं और ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। मतलब इनका इतना इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है, इनकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है कि ये एक लोमड़ी को, जंगली बिल्ली को और बकरियों तक का शिकार कर लेते हैं। देखो, एक पक्षी होके एक जानवरों तक का शिकार कर लेते हैं, है ना, कितना ज़्यादा, मतलब ये एक किलिंग बर्ड है। तो इसको इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन ईगल, ठीक है, गोल्डन ईगल। फोर्थ वन इज नेचर स्क्रेवेंजर्स, दीज लार्ज बर्ड्स क्लीन अप द एनवायरनमेंट बाय ईटिंग कारकेसेस एंड हेल्प प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज नोन एज फ्रेंड ऑफ अर्थ, दीज आर ऑल्सो नोन नाउ एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये बेसिकली चील की बात कर रहे हैं, तो ये इनको हम नेचर्स के स्केवेंजर्स बोलते हैं। स्केवेंजर्स मतलब क्यों बोलते हैं हम इनको, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट को क्लीन करते रहते हैं। कैसे क्लीन करते हैं, जैसे मान लो कोई कोई जानवर है, मर गया है, तो वो अगर उसको कोई नहीं खाएगा तो उसमें दुर्गंध होगी और उससे बीमारियां भी फैल सकती हैं, है ना। तो ये वल्चर्स जो होते हैं, वल्चर्स क्या करते हैं, ये उनको खाते हैं। गिद्ध बोलते हैं जिन्हें हम, सॉरी मैं चील गलत बोला, ये गिद्ध होते हैं। तो इसीलिए इनको हम नेचर्स के स्केवेंजर्स बोलते हैं और हम इन्हें अर्थ के फ्रेंड भी बोलते हैं, धरती के दोस्त भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं बीमारियां फैलने से, ठीक है। और अब लेकिन अब ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड हो रहे हैं, ये भी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं वल्चर्स। फिफ्थ वन इज प्राइमरली ए स्केवेंजर, इट इज ए स्ट्राइकिंग क्रिएचर विद डीप रेड प्लमेज, ग्रे हेड एंड लाइट आइज। इट कैन ऑल्सो हंट एंड डिवोर स्मॉल मेमल्स, बर्ड्स एंड वॉर्म्स। आप पिक्चर देखो, रेड काइट, इसको हम बोलते हैं रेड काइट, ठीक है। ये कौन है, ये भी एक तरह का स्केवेंजर है। स्केवेंजर बोले तो वही जो हमने वल्चर के बारे में पढ़ा, जो कि जो मर जाते हैं पशु या पक्षी या कुछ भी, उनको खाते हैं। इट इज़ अ स्ट्राइकिंग क्रिएचर, ये एक ऐसा क्रिएचर है जो जिसका एक रेड प्लमेज होता है और ग्रे हेड होता है और लाइट कलर की आईज होती हैं, और ये भी छोटे मैमल्स को, बर्ड्स को और वॉर्म्स को खा सकते हैं, उनको शिकार भी कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ वन इज आर्म्ड विद एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग, इसकी जो सुनने की शक्ति होती है वो बहुत एक्यूट होती है, 4 to 5 times बेटर देन ह्यूमन। मतलब ये छोटी से छोटी आवाज़ भी सुन सकते हैं, मतलब हम लोगों को जैसे कोई आवाज़ सुनती है तो ये लोग उससे भी छोटी अगर महीन आवाज़ आ रही है तो वो भी सुन सकते हैं, ठीक है। दे आर नाइट हंटर्स, स्विफ्ट, साइलेंट एंड डेडली, ठीक है। ये रात में ही शिकार करते हैं और बहुत तेज़ी से करते हैं और शांत रहते हैं। दे प्रे ऑन इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स, माइस एंड बर्ड्स। ये लोग छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, चूहे होते हैं या पक्षी होते हैं, उनका शिकार करते हैं। कौन होता है वो पक्षी जो रात को ही जागता है? आउल। हम कहते हैं ना, रात को मत जागो उल्लू की तरह। सो दीज आर आउल। आपको नीचे बुक में नीचे आपको हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, आप उसमें से भी स्पेलिंग देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एवियन हंटर्स। Thank you.